हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू डबरा व्लॉग्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंजरी। तो पंजरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने पंजरी बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि काजू, बादाम और मखाने। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। वैसे मेरी बेटी को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जितने थे यही ड्राई फ्रूट्स ली है। वैसे चाहे तो आप इसमें जो खरबूजे के बीज हैं वो भी देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, पर मेरी बेटी को पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं एक एक करके पहले रोस्ट कर लूँगी जब तक वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। और आपको एकदम से मखानों को तेज़ आँच पर नहीं भूनना है, मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो उसको आराम आराम से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है। तो इसको भी अलग निकाल देंगे प्लेट में। और अब ये जो नारियल का बुरादा था जो मैंने ग्रेट कर लिया था कद्दूकस में, इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी जिससे इसका जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेट कर लूँगी और एक मोटा सा दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल साफ़ है क्योंकि इसी पे मैं सारा मिक्सचर रेडी करने वाली हूँ, तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप, ये मैंने पाउडर रेडी कर लिया है। थोड़े थोड़े जो चंक्स हैं मोटे मोटे बादाम वगैरह के, वो छोड़ दिए हैं जो खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी जो ये पूरा पाउडर मिक्सचर था, ये लगभग इस कटोरी से देखे तो 8 कटोरी ये लगभग था। तो इसके लिए चाशनी बनाने के लिए मैंने लगभग 4 कटोरी चीनी ली थी और साथ में 2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर चाशनी रेडी करते हैं। तो चाशनी को तब तक पकाना है जब तक इसकी चीनी अच्छे से ना घुल जाए। इस पंजरी को बनाने के लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें चाशनी तब तक उबालनी है जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए और 1 तार बनने वाली हो। मतलब आप देख सकते हैं 1 तार इसमें बनने वाला है। इसी स्टेज पर यहाँ पर गैस बंद कर देनी है और उसके बाद जो भी सारा मिक्सचर था इसको चाशनी में ऐड कर देना है और चाशनी के साथ अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस थाली को, मिक्सचर को थाली में फैलाना है, जिसको मैंने पहले घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। तो इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देंगे पूरी थाली में और 1 से 1.5 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ देंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना है जमने के लिए, रूम टेम्परेचर भी अच्छे से जम जाएगी, सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजरी रेडी हो चुकी है और मैंने कट करके जार में भी रख दी है। तो 3 जार मेरे, 1 जार बड़ा, 1 जार मीडियम और 1 जार छोटा मेरा भर चुका है। पीसेज आप अपनी पसंद से छोटे बड़े कट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।